नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज है हमारा व्रत सकट, जो हमने आप सभी को वीडियो दिखाया था ना, सकट है आज। और ये गणेश जी की पूजा होती है, माघ के चौथे दिन इसको मनाया जाता है। तो आज हमारा व्रत है और बहुत सारे आज हमको काम करने हैं। और आज का वीडियो में बहुत सारी चीज़ें भी आप सभी को दिखानी है, तो शायद थोड़ा सा हमारा वीडियो लंबा हो जाए। और मानसी आ गई हैं, आइए मानसी सब लोगों से नमस्ते कर जी बैठ के। ये देखिए मानसी आ गई है, नमस्ते करो। मुंह में क्या डाली हो इसको ना निकाल लो। और ये ना पैर में इनका खुला है और कुछ पहनती नहीं है पैर में। इनको ना बहुत ज्यादा गर्मी लगती रहती है ठंडी में भी ना। हाँ हंस रही है। जब इनको कुछ पहनाओ पैर में उतार के फेंक देंगी, कहेंगी मम्मी धूप आ गई है अब हम उतार के फेंक दे रहे हैं। और हमारी एक बहुत अच्छी से दीदी हैं जिन्होंने कहा था अपनी वीडियो में हमारा नाम लीजिएगा। दीदी का नाम है प्रज्ञा पांडे और दीदी जी हमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं। तो अभी हमें घर की लिपाई करनी है तो इसके लिए गोबर की ज़रूरत पड़ती है। गोबर और माटी मिलाकर हम लीपते हैं। जो लीपने वाली माटी होती है ना वो दूसरी आती है। और कोई भी त्यौहार आता है हमारे यहाँ तो सबसे पहले गोबर से लिपाई ही होती है घर में। इससे साफ सुथरा घर हो जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है। और चारों तरफ हम आप सभी को दिखा देते हैं, सभी जानवर यहाँ पे बांधे हुए हैं यहाँ पे। और चाची जी के जानवर बांधे हुए हैं और हमारे सासू माँ की बच्चों की दादी की यानी कि हमारे जानवर यहाँ पे बांधे हुए हैं। और चाची सास के जानवर वो भी यहीं पे बांधे हुए हैं। तो घर की लिपाई करना है तो इसके लिए हमको गोबर चाहिए था सबसे पहले। तो हम आए थे यहाँ पे गोबर लेने के लिए, तो पहले गोबर ले लेते हैं, घर की लिपाई कर लेते हैं और साफ़ सुथरा कर लेते हैं घर में। फिर जब कोई भी पूजा पाठ होता है और चढ़ाने के लिए घर में सामान बनते हैं, जो बनता है सिंघाड़े की आटे की लपसी वगैरह हलवा जो चीज़ें बनती हैं, तो सबसे पहले घर की सफाई करनी पड़ती है। तो इसीलिए सबसे पहले कोई भी त्यौहार हो या फिर घर में कोई छोटा मोटा काम हो, सबसे पहले लिपाई होती है घर की। बाबू हमारे रो रहे हैं यहाँ पे, हम आप सभी से बोल रहे हैं। तो ये देखिए हमने इसको, ये देखिए ये सुखवाया था हमने, सिंघाड़ा है सूखा वाला है और इसको कूटना है। खलबट्टे में माही कूट रहे हैं, कह रही है हम कूट लेंगे। कूट लोगी कैसे कूटी है? सही होगा मुझको। ये देखिए कूट ली है। तिल्ली गुड़ और सिंघाड़ा हम इसमें पहले कूट लेते हैं। सिंघाड़ा अलग रखेंगे कूट के और तिल्ली को भी अलग रखेंगे और गुड़ को भी अलग रखेंगे। पहले इन सबको हम कूट लेते हैं। तो माही जो है कूट के चली गई हैं और वो देखती है ना हम लोगों को, तो बहुत उनको शौक लगी रहती है, कह रही थी मम्मी हम कूट ले हम कूट ले। ये देखिए कूट नहीं पाएंगे, बस उनको शौक लगी रहती है। तो हमने कहा रहे हैं तो हम कर लेते हैं। तो हम इसको पहले कूट लेते हैं तिल्ली और सिंघाड़े को। तो सिंघाड़ा को हमने कूट लिया है और ये देखिए हमने तिल्ली ली है, इसको भी कूट लेते हैं। और ये धोया बनाया है साफ़ सुथरा, तिल्ली मम्मी भिजवाई हैं धो बना के साफ़ सुथरा करके भिजवाई हैं, क्योंकि हमको मम्मी को पता है कि हमारे पास सुखाने के लिए जगह नहीं है, तो सब पूरा साफ़ सुथरा करवा के तब भिजवाई हैं। अरे मत खाओ, चढ़ाने के लिए खाते नहीं हैं। चलो कोई बात नहीं, खा ली तो सर्दी भी हो जाएगी तिल्ली। देखिए चढ़ाने से पहले हमारी माई खा ली है। हाँ तो नहीं कूट लेंगे, तुम फैला गिराओगी सब फैल जाएगा। तो ये देखिए हमने तिल्ली कूट लिया है, इसमें गुड़ भी मिला दिया है और इधर हमने गुड़ भी कूट के इसमें रख लिया है। अभी हम इसको थाली में रखेंगे, सूप में नहीं रखेंगे। अभी बैठे थे ना तो कोई बर्तन नहीं था, तो हमने कहा इसी लगातार कूट लेते हैं इसको। ये देखिए हमने सिंघाड़े को कूट के आटा बना लिया है कुछ इस तरीके से। और अब हम इसको भूनेंगे कढ़ाही में, थोड़ा सा देसी घी डालेंगे
इतना डाल दे रहे हैं। तो इस आटे को हम भून लेंगे जब तक हल्का हल्का ये लाल नहीं हो जाएगा, इसका रंग नहीं बदल जाएगा तब तक हम इसको भूनेंगे। तो ये देखिए हमने आटा भून लिया है, आटा हमने भून लिया है। अब हम इसका जो है बनाएंगे लपसी। लपसी ही हम लोग बोलते हैं, पता नहीं आप लोग हलवा बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, हम लोग तो लपसी ही बोलते हैं हमेशा से। ये देखिए हमने भून लिया है और इसको बना लेते हैं, फिर हम आप सभी से मिलते हैं। नहीं तो बहुत सारे काम हैं और देर हो जाएगा तो हम काम भी नहीं कर पाएंगे, कुछ बना भी नहीं पाएंगे। तो पहले सब चीज़ें हम बना लेते हैं, फिर आप सभी से मिलते हैं। ये देखिए हमने जो है लपसी को बना लिया है और उधर हमारा शकरकंद पक रहा है, लाल वाला शकरकंद हमने रखा है और लपसी को बना के हमने थाली में निकाल दिया है। देखिए ऐसे हो गया है, हाथ में नहीं चिपक रहा है और हमने पैर में ना ये देखिए कलर लगाया है तो इसीलिए हमारे हाथ में लगा हुआ है। और ये दोनों हमारे तैयार हो जाएंगे, शकरकंद पकने ही वाला है और लपसी जो है बन चुकी है। ये देखिए हमने जो है पूजा की थाली तैयार कर ली है। हमने ये गन्ना लिया हुआ है और लाल गाजर 5, काली गाजर, सुपारी 5 और ये नारंगी है और ये बैर है और ये मकुइया है अमरूद और ये रामदाना की लाई है, ये काला तिल है हमने लिया हुआ है जो पूजा में लगेगा। और इधर अभी हमको इसको रखना है लपसी को, इसको हलवा भी बोलते हैं लोग। और ये उबला हुआ गाजर लेना है हमको, शकरकंद कच्चा भी लोग लेते हैं और उबला हुआ भी लेते हैं, तो हम चाहे कच्चा रख लेंगे चाहे उबला हुआ रख लेंगे। और इधर पूजा की थाली हमने तैयार कर ली है, अभी धूप बत्ती अगरबत्ती और जो चीज़ें हम भूले होंगे उन सब चीज़ों को भी अभी रख के पूरा तैयार कर लेंगे। और अभी पूजा नहीं करना है, जब चंदा मामा निकल आएंगे तब पूजा करना होगा। तो हमने पहले से इन सब चीज़ों को तैयार करके रख लिया है ताकि हमको ज़्यादा कुछ ना करना पड़े उस समय। हमने पूजा की सारी चीज़ें तैयार करके रख ली है और अब चंदा मामा का इंतज़ार हो रहा है, गणेश देवता का पूजा होगा। जब चंदा मामा निकल आएंगे ना 9 बजे के आसपास निकल आएंगे, फिर उस समय हम पूजा करेंगे। 9 बजे तक निकल आते हैं और ये माही देख रही हैं और नानसी भी है यहीं पे। तो हम जो है कपड़ा बदलेंगे और फिर पूजा करेंगे। हमने अपना साल स्वेटर पुराना वाला जो था ना उसको धो करके आज पूरा सुखवा लिया है, धूप अच्छी निकली थी पूजा करने का। जब पूजा करेंगे तब हम उसको पहनेंगे। हलवा हमारा पूरा बन के तैयार हो गया, इसको हम काट लेते हैं पहले, बहुत अच्छे से ये कट जाएगा। नानसी कह रही है हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्फी की तरह। और ये देखिए कितने अच्छे से निकल रही है ये, हम निकाल के इसको रखेंगे पूजा वाली थाली में। तो ये देखिए पूजा का समय हो गया है, चंदा मामा आ गए हैं। हमारे यहाँ 8:40 पे निकल आए हैं, हर बार तो इतना कोहरा रहता था रात में कि दिखते ही नहीं थे, अब की बहुत अच्छे से दर्शन हुआ है उनका। और हम ये घर के बाहर पूजा कर रहे हैं द्वारे पे, क्योंकि हमारे पास ना ही आंगन है और ना ही छत पे जाने की व्यवस्था है, तो इसीलिए हम घर के बाहर ही पूजा करते हैं, हर बार ऐसे ही पूजा करते हैं। जिनके पास है जैसे छत पे अपना पूजा कर लेते हैं और उनको बहुत अच्छे से दर्शन हो जाते हैं पूजा करते समय भी, लेकिन हमने तो उनको देखा था बस, और बैठ के जब पूजा कर रहे थे तो वो दिख ही नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी हमने उनका दर्शन किया था। और गणेश देवता की यहाँ पर हमने विधि पूर्वक अच्छे से पूजा पाठ किया। यहाँ पर जो है माही थी और मानसी भी थी, तो मानसी जो है टॉर्च दिखा रही थी और माही जो है वो वीडियो बना रही थी। तो हमने इसी प्रकार से बहुत अच्छे से पूजा पाठ कर लिया, फिर इसके बाद हमने अपना खान पान किया जो खाते हैं इस व्रत में।